दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिश्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सैंदीकर बैनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नजर आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वही बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP बेद प्रताप चौधरी। सैंदिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन। तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मॉन्डल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर,
टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एस साथी, चैंपियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए। और साथ ही साथ तो वही इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वह उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम विद नाच धूम मचा ले, और उसके बाद वर्क करा था उन्होंने फिल्म्स लाइक टारगेट, हैंगओवर, मौन, पोरे, आजो से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब,
शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फर्म्स वही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। मैं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वहीं लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज़, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वीर प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन। तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड
रिव्यूज़ मिले हैं रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 आउट ऑफ 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल, जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्षा, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट आर करा उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वही इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्सअप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर्ड द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम विद नाच धूम मचा ले, और उसके बाद वर्क करा उन्होंने फिल्म्स लाइक टारगेट, हैंगओवर, मौन, पोरे, आजो से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था
बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब, शेष छे के शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वीर प्रताप चौधरी। सैंदिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वही मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी।
संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पांस रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषभ वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994 to 1995। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वहीं इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016। तो वही उनकी टीम जो है एज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था, विच नेम्ड नाच धूम माचा
नाच धूम मचा ले। और उसके बाद वर्क करा उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन, पोरे, आजो, से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नजर आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जेके तुमार, उमा, नकाब, शेष छे के शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वही बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा, प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वहीं लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP बेर प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्र दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली,
शांतिलाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर एसीपी, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है, तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पांस रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 आउट ऑफ 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल, जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वहीं इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन द सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर्ड द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वह उनकी टीम जो है एज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म,
इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम नाच धूम मचा ले और उसके बाद वर्क करा था उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन पोरे, आजो से दिन जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जेके तुमार, उमा, नकाब, शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी, और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वहीं लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की तो जीत नज़र आए थे एज जीतू जो कि ओरिजिनली
जाने जाते थे एज अ एसीपी बेर प्रताप चौधरी। सैंदिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजौन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वही मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर एसीपी, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है, तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पांस रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 आउट ऑफ 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर सिंगर एंटरप्रेन्योर टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, द्वि पृथ्वी, वॉन्टेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषभ वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट आर करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तुम्हें इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में।
एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग और ऑल्सो एक्वायर्ड द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था, विच नेम विद नाच धूम मचा ले और उसके बाद वर्क करा था उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन पोरे, आजो से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब, शेष छे के शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी, और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सैंतिका बैनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बाय राजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने।
ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे, तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस, बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वेद प्रताप चौधरी। सैंदिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजा ध्रुदत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बुरजोन घोष, हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वही मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है, तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल, जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994 to 1995। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन
मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए। और साथ ही साथ तुम्हें इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस और प्रेस मिला है उन्हें अब क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम नाच धूम मचा ले। और उसके बाद वर्क करा था उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन, पोरे, आजो, से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब, शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सैंतिका बैनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। मैं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में और ईगर है टू ज्वाइन पुलिस फोर्स।
उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वही बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराज और चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल आज हमें चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे, तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की तो जीत नज़र आए थे एज जीतू जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वेद प्रताप चौधरी। सैंदिका बैनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्ण गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मॉन्डल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है, तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पांस रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की यानी कि जीत जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर सिंगर एंटरप्रेन्योर टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल, जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्षा जो कि ऑन एयर था 1994 टू 95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी
जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी। डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए। और साथ ही साथ तो वहीं इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था दे ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन द सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर्ड द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था, विच नेम नाच धूम मचा ले। और उसके बाद वर्क करा उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन, पोरे, आजो, से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर। इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पॉन्स भी मैंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंग ओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब, शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से।
फिल्म में नजर आए थे जीत सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नजर आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। मैं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वहीं लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वेद प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बुरजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वही मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की, तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि,
क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषभ वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994 to 1995। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा है उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वही इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर्ड द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016। तो वही उनकी टीम जो है एज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम विद नाच धूम मचा ले, और उसके बाद वर्क करा था उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन पोरी, आजो से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब, शेष छे के शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की।
दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिश्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। मैं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज ए सी पी बेर प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर एसीपी, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 out of 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर,
टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एस साथी, चैंपियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषा वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वही इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्सअप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था, विच नेम नाच धूम मचा ले, और उसके बाद वर्क करा उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन, पोरे, आजो से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जे के तुमार, उमा, नकाब,
शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फर्म्स वही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। मैं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वही बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराज और चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज़, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वीर प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्ण गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वहीं मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर ACP, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मॉन्डल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पॉन्स रहा है एक मिक्स्ड
रिव्यूज़ मिले हैं रॉटन टोमेटोज़ की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 आउट ऑफ 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की यानी कि जीत जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर सिंगर एंटरप्रेन्योर टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एस साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल, जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज़ जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषभ वृक्ष जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001 जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तुम्हें इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था दे ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन द सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वही उनकी टीम जो है आज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था विच नेम्ड नाच धूम मचा ले, और उसके बाद वर्क कर उन्होंने फिल्म्स लाइक टारगेट, हैंगओवर, मौन, पोरे, आजो से दिन जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नज़र आई थी इन द फिल्म अवारा जो कि उनकी रही थी जीत के साथ जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो वहीं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विद शूटर इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था
बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, इनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जेके तुमार, उमा, नकाब, शेष छे के शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बैराजा चंदा प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वेद प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्र दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरज मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली, शांति लाल मुखर्जी नजर आए थे एज हरी, भरत कौल एज गोवर्धन, तो वही मानसी सिन्हा एज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली एज गून, देवदत्त घोष एज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता एज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी, और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी।
संजीव सरकार एज अ फॉर्मर एसीपी, देवराज मुखर्जी एज इंस्पेक्टर पी विश्वास, कल्याणी मंडल एज मायावती गांगुली, वहीं सुप्रियो दत्ता एज बिजॉय सन्याल, सोमनाथ कार देखे गए थे एज देव कृष्ण गांगुली। फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी लंबी रही है। तो वहीं अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की और रिव्यूज़ की, तो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे तो अनसक्सेसफुल रही है ओवर टू दिस, और जो रिस्पांस रहा है एक मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। रॉटन टोमेटोज की तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5.8 आउट ऑफ 10 रही है। तो वहीं बात करते हैं आखिरकार जो फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट रही है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिनेमा में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के लीड किरदार जीतू की, यानी कि जीत, जो कि एक वेल नोन बंगाली फिल्म एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं बंगाली सिनेमा में। ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीत्स फिल्म वर्क। बात की जाए उनके कुछ नोटेबल वर्क की तो देखे गए हैं एज साथी, चैम्पियन, पितृभूमि, क्रांति, सात पाके बंधा, दुई पृथ्वी, वांटेड, अवारा, बॉस, बैक टू रूल। जो बॉस बैक टू रूल था वो सेकंड वर्जन था, और असुर, रावण, चंगेज जैसी काफ़ी सारी फिल्म रही हैं उनके करियर में। तो वहीं बात की जाए शुरुआत की, तो इंडस्ट्री में आने से पहले एज अ मॉडलिंग करियर उन्होंने स्टार्ट करा था 1993 में, और उनका पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वृषभ वृक्ष, जो कि ऑन एयर था 1994-95। एक बंगाली टीवी सीरीज थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय विष्णु पाल चौधरी। तो वहीं उन्होंने बिग स्क्रीन डेब्यू करा था चंदू के साथ इन 2001, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और पहली सक्सेस उन्हें मिली थी 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी के थ्रू द फिल्म साथी, और जो कि एक हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और साथ ही साथ आनंदालोक अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट एक्टर। और बात की जाए उनके करियर से रिलेटेड कुछ और वर्क की, तो अदर देन फिल्मिंग उनका ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहा है एज अ स्मॉल बजट एड करा उन्होंने रीजनल ब्रांड्स के लिए, और साथ ही साथ तो वहीं इन 2005 दुर्गा पूजा कैंपेन में उन्होंने थम्स अप के लिए भी लॉन्च करा था देयर ब्रांड एम्बेसडर, मतलब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल में। एंड अदर देन दिस स्पोर्ट्स वेंचर्स रहे हैं उनके कुछ, एक्स कैप्टन ऑफ द बंगाल टाइगर्स इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और ऑल्सो एक्वायर द कोलकाता फ्रेंचाइजी ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टीनेशन 2016 प्रीमियर फुटबॉल सीजन दैट स्टार्टेड ऑन 15th of July 2016 में। तो वही उनकी टीम जो है एज कोलकाता 5S के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अवार्ड विनर रहे हैं वो अपने करियर में। बात की जाए दोस्तों फिल्म के अगले किरदार सैंतिका बैनर्जी की, जो कि एज अंजलि देखी गई इन द फिल्म, इज अ वेल नोन बंगाली सिनेमा एक्ट्रेस, और प्रेस मिला है उन्हें क्रिटिक्स की तरफ से फॉर हिज एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स। 2012 में बंगाली फिल्म अवारा, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, उन्होंने उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन द तृणमूल कांग्रेस, जो कि अहेड रहा था ऑफ असेंबली इलेक्शन 2021 में इन वेस्ट बंगाल। करियर की बात की जाए तो एज अ डांस रियलिटी शो में उनका करियर स्टार्ट हुआ था, विच नेम नाच धूम माचा
नाच धूम मचा ली। और उसके बाद वर्क करा उन्होंने फिल्म लाइक टारगेट, हैंग ओवर, मौन, पोरी, आजो, से दिन, जो कि कुछ खास वर्क नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। 2012 में नजर आई थी इन द फिल्म अवारा, जो कि उनकी रही थी जीत के साथ, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं 2012 में शी एक्टेड इन अनदर फिल्म ऑल्सो विच टाइटल विल शूट इन द रिव्यू ऑफ द फिल्म। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पांस भी मेंशन करा था। बात की जाए उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिनसे वो लिंक्ड अप रही, सच एज बंगाल टाइगर्स इन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से रिलेटेड, मैनापुर माइटीज ऑल्सो बिलोंग टू बंगाल क्रिकेट लीग। फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनके करियर की, उनमें से कुछ फिल्म्स लाइक गौर संसार, टारगेट, द फाइनल मिशन, हैंगओवर, पापी, अवारा, बिंदास, हीरोगिरी, किलर कीर्ति, अभिमान, व्योमकेश, पौरबो, आमी जेके तुमार, उमा, नकाब, शेष ठेके शुरू, सेविंग्स अकाउंट जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। दोस्तों बात करते हैं बंगाली फिल्म पावर की, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। और अगर बात की जाए फिल्म के जोनर की, तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करा था राजीव कुमार बिस्वास ने, और फिल्म का साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था जीत गांगुली की तरफ से। फिल्म में नज़र आए थे जीत, सत्य, सयंतिका बनर्जी, नुसरत जहान लीड रोल्स में। तो वही फिल्म जो है एक्चुअल में रीमेक है 2014 की तेलुगु फिल्म पावर का, जिसमें कि रवि तेजा नज़र आए थे। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अनसक्सेसफुल रही थी। वहीं बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जो कि है अबाउट अ मैन जो सपोज टू बी लाइक है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तरह अपने प्रीवियस लाइफ में, और ईगर है टू जॉइन पुलिस फोर्स। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉलो करता है नेक्स्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ कॉमेडी को और एक एक्शन को, अलॉन्ग विद फ्लैशबैक टू हिज प्रीवियस लाइफ वेयर ही वॉज रिवील्ड टू बी द सेम पर्सन ऑल टूगेदर। साथ ही भूल जाता मतलब उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, एक्सेप्ट हिज पैशन फॉर बीइंग अ पुलिसमैन। तो वहीं बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, जिसके लिरिक्स लिखे गए थे बाय राजा चंदा, प्रसन्नजीत मुखर्जी की तरफ से, और सारा म्यूजिक कंपोज करा था जीत गांगुली ने। ओवरऑल फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसकी बात की जाए तो लगभग 12 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, 11.5 से 12 मिनट का। उसमें मिस्ड कॉल, आज हमें, चकुम चुकुम करके जो है फिल्म के सॉन्ग्स रहे थे। तो वही लिरिक्स लिखे थे राजा चंदा और प्रसन्नजीत मुखर्जी ने। सिंगर्स रहे थे नकाश अजीज़, आकृति कक्कर, जीत गांगुली, अन्वेषा, मोनाली ठाकुर फिल्म के जो है सिंगर्स रहे। ओवर टू दिस बात की जाए फिल्म के साउंड ट्रैक की, तो जीत नज़र आए थे एज जीतू, जो कि ओरिजिनली जाने जाते थे एज अ ACP वेद प्रताप चौधरी। सयंतिका बनर्जी देखी गई थी अंजलि के किरदार में। नुसरत जहान देखी गई थी एज श्रुति। सब्यसाची चक्रवर्ती एज पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार कपूरिया के रोल में। राजत्व दत्ता एज होम मिनिस्टर राजा कृष्ण गांगुली। खरच मुखर्जी एज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भुजोन घोष हल्दिया पुलिस स्टेशन की जो थे वो रोल निभा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ नजर आई थी कंचन मलिक एज कंचन, दीपंजन बसक एज जॉय कृष्णा गांगुली,
शांतिलाल मुखर्जी नजर आए थे आज हरी, भरत कौल आज गोवर्धन, तो वहीं मानसी सिन्हा आज जीतूज एल्डर सिस्टर, सुमित गांगुली आज गून, देवदत्त घोष आज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सरकार, राजा दत्ता आज फिरोज भाई, साथ ही सुदीप मुखर्जी नजर आए थे एज इंस्पेक्टर एस बनर्जी, विश्वजीत चक्रवर्ती एज रजत प्रताप चौधरी और मौसमी साहा एज नलांजना प्रताप चौधरी, संजीव सरकार एज अ फॉर्मर एसीपी, देवराज मुखर्जी